हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ब्रश। आज की वीडियो में हम एक वुडन प्लैंक पर डेकोपाज करना सीखेंगे। इसमें मैंने डेकोपाज से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं, सो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। इस प्लैंक को आप एज अ गार्डन डेकोर या फिर होम डेकोर की तरह यूज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने 14x6x0.5 इंच का एक प्लाईवुड प्लैंक लिया है और उस पर व्हाइट जेसो अप्लाई किया है। जेसो लगाने से हमारा सरफेस आगे के प्रोसेसेस जैसे डेकोपाज, पेंटिंग आदि के लिए रेडी हो जाता है। अगर आपके पास व्हाइट जेसो ना हो तो आप व्हाइट चौक पेंट या व्हाइट एक्रेलिक पेंट का भी यूज कर सकते हैं। रिमेम्बर, बेस कोट शुड ऑलवेज बी व्हाइट, तभी हमारे डेकोपाज नैपकिन से आगे हम जो भी कलर करेंगे वो सारे प्रोमिनेंटली दिखाई देंगे। जेसो या बेस कोट लगाने के लिए फ्लैट ब्रश की जगह स्पॉन्ज डबर का यूज करें ताकि ब्रश स्ट्रोक्स ना दिखें। यहाँ मैंने गार्डन थीम से रिलेटेड कुछ डेकोपाज नैपकिन ले लिए हैं। आप भी कोई एक थीम डिसाइड करके उससे रिलेटेड डेकोपाज नैपकिन चूज करके उनका यूज कर सकते हैं। अब हम इन नैपकिन को वेट ब्रश की हेल्प से फजी कट कर लेंगे या फिर अपने हाथों से जितना हो सके उतना क्लीनली फाड़ लेंगे। बट ट्रस्ट मी गाइस, वेट ब्रश टेक्निक इज मच मोर इजियर देन टियरिंग इट ऑफ विद योर बेयर हैंड्स। इन नैपकिन को कट करने के लिए सीजर का यूज बिल्कुल ना करें क्योंकि हमें अनइवन एजेस चाहिए। शार्प एजेस के कंपैरिजन में अनइवन एजेस को मर्ज करना इजी होता है। वेट ब्रश टेक्निक में एक स्मॉल राउंड ब्रश को वाटर में डिप कीजिए और जो भी डिजाइन आपको कट करना है उसके चारों तरफ बॉर्डर बनाकर उसे ट्रिम कर लें। डेकोपाज नैपकिन को कट करते वक्त बहुत सावधानी बरतें क्योंकि ये नैपकिन बहुत ही नाजुक होते हैं। मैंने वीडियो के लास्ट में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, सो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। इन नैपकिन्स को कट करने के बाद हम इनके प्लाइज रिमूव कर लेंगे। सम नैपकिन्स हैव सिंगल लेयर, सम हैव टू प्लाइज और सम हैव थ्री प्लाइज। जस्ट मेक श्योर जब आप इनके प्लाई रिमूव करें तो नैपकिन पूरी तरह सूखे हुए होने चाहिए, अदरवाइज आपके डिजाइन डैमेज हो सकते हैं। समटाइम इट्स रियली इजी टू पील ऑफ द प्लाइज एंड समटाइम इट टेक्स टाइम, हैव पेशेंस और अपने डेकोपाज नैपकिन के कटआउट से सारे प्लाइज रिमूव कर लें। अब हम इन नैपकिन कटआउट्स को प्लाईवुड प्लैंक पर रखकर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा कटआउट किस जगह पर स्टिक करना है। यहाँ मैंने DIY डेकोपाज ग्लू और एक फ्लैट ब्रश लिया है इन नैपकिन कटआउट्स को प्लैंक पर स्टिक करने के लिए। डेकोपाज नैपकिन्स बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं, ये बहुत जल्दी फट जाते हैं या फिर इनमें रिंकल्स आ जाते हैं, सो इनके साथ काम करने के लिए मेरे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टिप, डेकोपाज नैपकिन को स्टिक करने के लिए बहुत ज्यादा या बहुत कम ग्लू ना लगाएं। ज्यादा ग्लू लगाने की वजह से नैपकिन में रिंकल्स आ जाएंगे और कम ग्लू की वजह से सूखने के बाद नैपकिन निकलना शुरू हो जाता है। सेकेंड ट्रिक ये है कि आप डेकोपाज नैपकिन के साथ काम टुकड़ों में करें, दैट मींस नैपकिन को एक बार में ही पूरा ना चिपकाएं बल्कि धीरे धीरे एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चिपकाते हुए जाएं। थर्ड टिप, अगर नैपकिन स्टिक करने के बाद उनमें रिंकल्स या बबल्स आ गए हों तो फ्लैट या फैन ब्रश, प्लास्टिक शीट या स्पॉन्ज की हेल्प से उन्हें हटा लें। ऐसा करते वक्त ब्रश या अपने हाथों को अंदर से बाहर की तरफ चलाएं। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ ब्रश या अपने हाथों को चलाएंगे तो नैपकिन सिकुड़ जाएगा या फिर उसके अंदर एयर बबल ट्रैप हो जाएगा। ध्यान रखें, आपको ब्रश को नैपकिन की पर बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज नैपकिन फट जाएगा।
सारे नैपकिन कटआउट्स को चिपकाने के बाद हम अब इसे पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक्स्ट्रा नैपकिन्स को नेल फाइलर या फाइन सैंडपेपर की हेल्प से हटा लेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। डेकोपाज नैपकिन के कलर थोड़े डल होते हैं, सो हम एक्रिलिक पेंट या चॉक पेंट की हेल्प से बर्ड्स, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स को इनहेंस करेंगे। बट इस पर पेंटिंग करने के पहले हम डेकोपाज ग्लू की एक लेयर लगा लेंगे और उसे पूरी तरह सूखने देंगे। ऐसा करने से अगर हम पेंटिंग करते टाइम कोई गलती करते हैं तो उसे इजिली हम जल्दी से वाइप कर सकते हैं और हमारे डेकोपाज नैपकिन को कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने यहाँ डिफरेंट कलर्स के एक्रिलिक पेंट्स को मिक्स एंड मैच करके पेंट किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए जिन जिन चीज़ों का यूज़ किया है उनकी लिस्ट और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। कलर्स के पूरी तरह सूखने के बाद मैंने कैमल के गोल्डन ग्लास आउटलाइनर से फ्लावर्स पर छोटे छोटे डॉट्स बना लिए हैं। इसके बाद हमें प्लैंक पर जो भी कोट लिखना है उसे हम डायरेक्टली लिख लेंगे या फिर ट्रेस कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये प्लैंक मैं अपनी मॉम के लिए डेकोरेट कर रही हूँ। उनका नाम मधु है और उन्हें गार्डनिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर दिस कोट। मैंने ड्रेसिंग करते वक्त दो गलतियां की हैं। फर्स्ट, मैंने डार्क कलर के कार्बन पेपर का यूज किया है, दैट्स व्हाई मेरे हैंड इम्प्रिंट्स प्लैंक पर पड़ गए हैं।
सेकेंड, मैंने ट्रेसिंग करते वक्त अपने पेपर को बेस पर स्टिक नहीं किया। ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम अपने कोड को हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट और 0 नंबर पेंट ब्रश का यूज किया है। इसके बाद मैंने अपने प्लैंक के एजेस को गोल्डन एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लिया है टू गिव इट अ रिच लुक। लास्ट में हम अपने वर्क को सील करने के लिए एक कोट डेकोपाज ग्लू का लगाएंगे और उसके सूख जाने के बाद एक कोट वार्निश का लगाएंगे टू मेक इट वाटरप्रूफ। लास्ट में मैंने अपने प्लैंक पर 2 कील लगाकर उसमें रोप लगा लिया है सो वी कैन इजिली हैंग इट एनीवेयर। लास्टली यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल आवर प्रोजेक्ट इज लुकिंग। लास्ट में मैं आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ। आप अपने MDF, प्लाईवुड या वुडन प्लैंक को दीमक से बचाने के लिए जैसो लगाने के पहले उस पर टर्मिनेटर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वुडन, MDF या प्लाईवुड प्लैंक ना हो तो आप कार्डबोर्ड या फोम बोर्ड को भी एज अ बेस यूज कर सकते हैं। अपने बेस को और भी ज़्यादा स्टडी और मजबूत बनाने के लिए 2 या 3 कार्डबोर्ड या फोम बोर्ड पीसेस को एक साथ चिपका लें और जैसा मैंने वीडियो में बताया वो सारे प्रोसेस फॉलो कर लें। आप डेकोपाज नैपकिन की जगह डेकोपाज पेपर, डेकोपाज राइस पेपर, गिफ्ट रैपिंग पेपर, मैगजीन कटआउट्स, पैटर्न पेपर्स, फोटोग्राफ्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद के डिज़ाइन को प्रिंट करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप हीट गन या हेयर ड्रायर के यूज़ से अपने ड्राइंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट में होममेड डेकोपाज ग्लू का यूज़ किया है जिसे मैंने 2 पार्ट्स वाइट ग्लू और 1 पार्ट वाटर को मिक्स करके बनाया है। इसी तरह आप घर पर जैसो भी बना सकते हैं। इसके लिए 1 स्पून वाइट ग्लू, 1 स्पून वाइट एक्रेलिक कलर और 2 स्पून बेबी पाउडर या टेलकम पाउडर, सिरेमिक पाउडर या POP को मिक्स करें। अगर आपको होममेड जेसो और होममेड डेकोपाज ग्लू का डिटेल वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। डेकोपाज नैपकिन के डिजाइन को बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए गाढ़े एक्रेलिक कलर का यूज ना करें। उसमें पानी मिलाकर उसे थोड़ा डाइल्यूट कर लें, उसके बाद उसका यूज करें। आप कैनवस बोर्ड को भी एज अ बेस यूज कर सकते हैं।